हालांकि अंदर काफी बहसबाजी हुई। जिस तरह का आज सदन में भारतीय जनता पार्टी का आचरण रहा, जब माननीय प्रतिपक्ष के उन्हीं की पार्टी के सदस्य कोटा के जेके लोन अस्पताल में जो बच्चों की मौत हुई उस पर प्रश्न पूछ रहे थे, मैं जवाब दे रहा हूं। जवाब सुनने को तैयार नहीं, आप प्रश्न खड़ा कर रहे हैं तो जवाब तो देने दीजिए, वो भी हमारा अधिकार है। प्रश्न पूछना उनका अधिकार है तो जवाब देना हमारा अधिकार है। जब जवाब देने लगा, देखिए जहां तक पिछले 3 महीने से जिस तरह से बच्चों की मौत पर राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, बहुत शर्मनाक बात है वो। एक भी बच्चे की मौत होती है तो हमारे लिए दुख का कारण है, लेकिन ये सवाल कोई एक अस्पताल का नहीं है, पूरे देश के लिए शिशु मृत्यु दर एक चिंता का विषय है। और जब चर्चा होगी तो पिछले 5 साल में हम शिशु मृत्यु दर को कितना कम लेके आए हैं, ये बात तो होगी होगी कि 2014 में कितने शिशुओं की उस अस्पताल में मृत्यु हुई, 15 में कितनी हुई, 16 में कितनी हुई, 17 में कितनी हुई, 18 में कितनी हुई, और अब जब 2020 चल रहा है, 19-20, इसमें गिरावट आई है। ये आंकड़े हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। जब सदन में इस बात को रखा जाएगा तो सुनने का मादा भी रहना चाहिए। जब राजेंद्र राठौड़ साहब राजस्थान के चिकित्सा मंत्री थे, यही जेके लोन अस्पताल है कोटा का, और यही बच्चों की मौत हुई 2014 में, और संख्या थी 1198, ये श्रीमान वहां कोटा गए चिकित्सा मंत्री के रूप में, और चिकित्सा मंत्री के रूप में आप गए, मेरे ऊपर तो सवाल उठा रहे हैं कि मैं देरी से गया, लेकिन मैं उपाय करके गया, वहां की व्यवस्थाओं को ठीक करने का काम करके आए। परिवहन मंत्री जी मेरे साथ गए, पूरे अस्पताल का हमने दौरा किया, और करीब 3 घंटे तक एक एक बिंदु पर हमने वहां की जानकारी ली, क्या स्टाफ की स्थिति है, क्या उपकरणों की स्थिति है, और किस तरह से सुधार हो सकता है वहां पे। आप बताइए मेरे को, मैंने एक भी बयान ये नहीं दिया जिसमें मेरी अकर्मण्यता झलकती हो, लेकिन माननीय राठौड़ साहब ये जो बयान आपने दिया, ये बच्चों की मौत की जानकारी लेने आप गए, कि मैं शर्मिंदा हूं कि मैं राज्य का चिकित्सा मंत्री हूं, ये कह के आप पल्ला झाड़ के वहां से आ गए। इतनी गंदी राजनीति आप लोग कर रहे हो। उसके बाद लगातार 5 साल आपकी सरकार रही, 2015 में 1260 बच्चे, 2016 में 1193 बच्चे, 2017 में 1027 बच्चे, 2018 में 1005 बच्चे, और हम जब सरकार में आए तो 963 बच्चे। आप मुझे बताइए कि ये जो शिशु मृत्यु दर है, मैं तो कहना ये चाह रहा था कि इसमें निरंतर गिरावट आ रही है, चाहे उनकी सरकार है चाहे हमारी सरकार है, लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका, उनको लगा कि मेरी पोल नहीं खोलते कहीं। आप मुझे बताइए कि जिस गुजरात मॉडल की भारतीय जनता पार्टी बात करती है, जब आप चर्चा करोगे बच्चों की मौत पे, 5-5 डेलीगेशन भेज रहे हो, पर्यटन स्थल बना दिया आपने, वहां संक्रमण हो रहा है वार्डों में, ये गुजरात मॉडल है नरेंद्र मोदी जी का, 11,000 करोड़ रुपए बजट, 36,000 बच्चों की मौत ये गुजरात में एक साल के अंदर, ये आंकड़े बोल रहे हैं। और जब कोटा का प्रश्न ये उठा रहे थे, 5 डेलीगेशन बीजेपी भेज रही थी राजकोट में, उसी दौरान 135 बच्चों की मौत हुई गुजरात में, विजय रूपाणी भाग गए, जवाब नहीं दे रहे प्रेस का। मैं प्रेस के सामने मुखातिब हूं, और जब जब भी ये घटनाएं हुई है, हमने गंभीरता के साथ इन घटनाओं में कमी लाने की कोशिश की है। बच्चों की मौत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। वो योगी जी वहां से ट्वीट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से, उनके खुद के गृह शहर गोरखपुर 1,000 बच्चों की मौत हो गई एक साल में, योगी जी जाके नहीं आए अस्पताल में, ऑक्सीजन है नहीं वहां पे, 100 से ज्यादा बच्चे बिना ऑक्सीजन के मारे गए। और ये जो NHM के आंकड़े आते हैं ना, देश के सबसे खराब बच्चों के ICU वार्ड के, उसमें जो सर्वाधिक मौतें हुई है, 10 के आंकड़े जो भारत सरकार ने जारी किए,
9 में भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य के आईसीयूज हैं वो, इसलिए ये मौत पे राजनीति ना हमको करनी चाहिए बच्चों की, ना बीजेपी को शोभा देती है। आज जब पूरे प्रश्न के ऊपर माननीय दिलावर जी जिन्होंने ये सवाल लगाया था, मैं पूरी तैयारी के साथ जवाब देने को तैयार हूँ, तो आपके चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात हो गई है तो आप जवाब सुनना चाहते नहीं हो। ये चिंता का विषय है, शिशु मृत्यु दर कम होनी चाहिए, अस्पतालों के व्यवस्थाओं में सुधार होना चाहिए, ये हमारा सोच है। जब से ये घटना हुई है हमने राजस्थान में सिस्टम बना दिया, एक हर महीने विभाग के अधिकारी, जो जिले के प्रभारी अधिकारी है, जो जॉइंट डायरेक्टर्स है, जो CMHOs है, वो नियमित रूप से BCMO सब अपने अपने इलाकों का दौरा करेंगे और सब सेंटर से लेके मेडिकल कॉलेज तक के अस्पतालों का वहाँ स्टाफ की स्थिति क्या है, सैंक्शनड स्टाफ कितना है, कमी कितनी है, वो हमको बताएंगे। और इक्विपमेंट के बारे में भी, हर अस्पताल में कितने इक्विपमेंट सैंक्शनड है, कितने वर्किंग है, कितने मेंटेनेंस में है और कितने खराब है और कितने की आवश्यकता है। हम सिस्टम को सुधारना चाह रहे हैं। जिन लोगों ने खुद ने चिकित्सा मंत्रालय चलाया और मौत के आंकड़े को खुद नहीं रोक पाए, आज वो हमसे सवाल कर रहे हैं। 2012 में जब कांग्रेस की सरकार थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने बजट के अंदर इसी JK Lone अस्पताल में 60 बेड गायनी के और 60 बेड बच्चों के वो स्वीकृत किए। सरकार बदल गई, ये पैसा कहाँ चला गया कोई जवाब देने वाला नहीं है। 14 में इनकी सरकार आई, उसमें से गायनी के 15 बेड रखे इन्होंने, 45 बेड, 15 बेड उसमें से कम कर दिए, और 60 बच्चों के जो बेड थे वो गायब ही कर दिए इन्होंने। फिर हर साल वहाँ के अस्पताल प्रशासन ने 5 साल लगातार कभी 8 करोड़ मांगे, कभी 9 करोड़ मांगे, कभी 20 करोड़ मांगे, एक नया पैसा आपने दिया नहीं, एक नया पैसा दिया नहीं, और आज बच्चों की मौत पर राजनीति करने के लिए यहाँ खड़े हो गए। अभी जिनके गिरेबान में झांक के देखने की जरूरत है, कोई नैतिक अधिकार उन लोगों को नहीं है जिन्होंने राजस्थान की चिकित्सा व्यवस्था का भट्टा बैठा दिया और हालात यहाँ तक पहुँचा दिए। आज जब मैं गया हूँ वहाँ जाके, मैंने ये नहीं कहा कि मैं शर्मिंदा हूँ, मैं राजस्थान का चिकित्सा मंत्री हूँ, हम उपाय करके आए हैं, परिवहन मंत्री जी और हम दोनों, हम उपाय करके आए हैं। 156 बेड का नया अस्पताल बन रहा है वहाँ, 40 और 27, 67 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी कर दी है। उसके अलावा 1 करोड़ रुपए शांति धारीवाल जी ने दिए अपने विधायक कोच से, बीजेपी के भी 3 विधायकों ने 10-10 लाख रुपए दिए, 30 लाख उन्होंने दिए। उसके अलावा वहाँ पे जो व्यवस्थाओं का सुधार है, वही नहीं पूरे राजस्थान में जो भी हमारे चिकित्सा संस्थान है उनके सुधार के कार्यक्रम बने हुए हैं। मैंने आपको बताया कि मंथली मॉनिटरिंग हो रही है, इनको पच नहीं रहा है, इनको राजनीति करनी है। अब पिछले 3 महीने से भारतीय जनता पार्टी ने धंधा बना रखा अपना कि बच्चों की मौत पर राजनीति करो, बच्चों की मौत पर राजनीति करो। शर्म आनी चाहिए इनको, बच्चों की मौत रुकनी चाहिए, सरकार इसके लिए गंभीर है और हम लोग प्रयत्नशील है, निर्णय ले रहे हैं बराबर, उसके बावजूद राजनीति करने पर उतारू है, ये शर्म की बात है। और माननीय सदस्य इन्हीं की पार्टी के जिन्होंने प्रश्न पूछा उसके जवाब मैं देने को तैयार था, खड़ा हुआ, उन्होंने सदन की कार्यवाही में नारेबाजी करने लग गए। ये इस तरह की जो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स है ये भारतीय जनता पार्टी को शोभा नहीं देती है। राजस्थान की जनता भी देख रही है कि जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना बर्ताव विपक्ष के लोग कर रहे हैं, बच्चों की मौत पर राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी को शोभा नहीं देता है। अगर कोई विषय है चर्चा करें, सुधार के कदम सरकार उठा रही है और निरंतर उठाती रहेगी, लेकिन अपने आईने में भी अपनी शक्ल देख लो जरा। हाँ, वो माननीय सदस्य ने पूछा था कि कोई रिपोर्ट आई क्या, कोई रिपोर्ट हमारे को नहीं मिली, किसी तरह की रिपोर्ट नहीं मिली है। ये जरूर है इन्होंने 5 डेलीगेशन भेजे। आप मेरे को बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ये गैर भाजपा शासित राज्यों में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जो नरेंद्र मोदी की सरकार को आर्थिक मुद्दों पर घेर रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी की सरकार को देश में चौपट उद्योग धंधे, कहां तो इन्होंने कहा था मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, आज सिट अप इंडिया हो गया।
बर्बाद इंडिया हो गया उद्योग धंधों के नाम पे। आज देश की अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पे है, आईसीयू में। इन मुद्दों को अशोक गहलोत जी उठा रहे हैं। CAA और NRC के मुद्दे पर जो राजधानी में 3 लाख लोग जुटे विरोध में, और उसके अलावा जो बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ती जा रही है, सरकार निकम्मी साबित हो रही है, महंगाई सातवें आसमान पे है, ये ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पे अशोक गहलोत जी केंद्र सरकार को बराबर हर फोरम पे घेर रहे हैं। तो ये इनको इनको अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने कोटा में बच्चों की मौत पे राजनीति करने का कुत्सित प्रयास किया, इसके अलावा कुछ नहीं है। वरना अगर भारतीय जनता पार्टी बच्चों की मौत से इतनी दुखी थी तो राजकोट भी भेज देते डेलीगेशन, वहाँ भी बच्चे मरे, गोरखपुर भेज देते, वहाँ भी बच्चे मरे। कोटा को ही फोकस करने का कारण क्या है, ये भी जवाब जनता की अदालत में आपको देना पड़ेगा। ये गंदी राजनीति भारतीय जनता पार्टी को शोभा नहीं देती है, मुद्दों पे आके राजनीति करनी पड़ेगी। आज अर्थव्यवस्था पे व्हाइट पेपर मोदी सरकार को जारी करना पड़ेगा। उद्योग धंधों की स्थिति कितनी खराब हो रही है देश के अंदर, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, रोजगार मांग रहे हैं लोग, पेट में रोटी चाहिए, महंगाई कम करो, ये मुद्दे जब उठेंगे तो ये बच्चों के मुद्दे लेके आएंगे उसकी काट में, ये शर्मनाक बात है। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, कोटा में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, कोई बच्चे की मौत क्लिनिकल मिस्टेक से नहीं हुई है, चिकित्सीय लापरवाही से नहीं हुई है। बच्चों की मौत के कारण मैंने आज जवाब में इनको गिनाए हैं कितने बच्चे किस अवस्था में वहाँ आए। ज्यादातर बच्चे रेफर्ड केसेज है, 15 दिन प्राइवेट हॉस्पिटल में रखो आप, बच्चा अंडर वेट है, 50 तरह की कॉम्प्लिकेशन है, एक महीने से कम उम्र के बच्चे 88 बच्चे थे और बाकी बच्चे 1 महीने से ज्यादा उम्र के थे। अब जिस कॉम्प्लिकेशन के साथ वो अस्पताल में आए, प्राइवेट अस्पताल ने जब हाथ खड़े कर दिए तब आप सरकारी अस्पताल में आते हो। अब ये बार बार उठाते हैं एक बेड पर 2 बच्चे, हम मना नहीं कर सकते किसी को। अगर कोई बीमार अवस्था में बच्चा लेके आएगा, सरकारी अस्पताल मना नहीं करता है। ये गोरखपुर के फोटो है मेरे पास, वहां भी 1 बेड पर 2 बच्चे लेटे हुए हैं। क्या जवाब है बीजेपी के पास? यहाँ पे हमारे बेड जो स्वीकृत किए थे 60 बच्चों के, वो क्यों खा गए बीजेपी के लोग? आपने पाप किया है। अगर वो 60 बेड होते और 42 बेड अभी है, 102 बेड हो जाते जो भर्ती बच्चों के अनुपात में एक्सेस होते, तो जब बेड आपने खत्म कर दिए बजट की स्वीकृति के बेड, तो बच्चों को 1 बेड पे 2 पे लिटाना ही पड़ेगा। देखिए मेरी बात सुनिए, सदन में जिस तरह का आचरण भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों का है, वो हल्की राजनीति पे उछरा है, ओछी राजनीति पे उछरा है। अब आप बताइए, अगर मेरे इस्तीफे से एक भी बच्चे की जान जाती हो तो 1 सेकंड नहीं लगाऊं इस्तीफा देने के लिए। ये राजनीति कौन सी करने जा रहे हो आप? सदन में चिंता इस बात की होनी चाहिए कि हम सब मिलके, चिकित्सा ऐसा महकमा है, ऐसा विभाग है, शिक्षा ऐसा विभाग है जिसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप चर्चा करिए सदन में कि भाई आप में ये कमी रह गई है, इस कमी को आप कैसे दूर करोगे, हम बताएं कि हम इस कमी को ऐसे दूर कर रहे हैं। लेकिन आप सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं, वेल में आके नारेबाजी कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी की बच्चों की मौत कैसे कम हो इसमें कोई रुचि नहीं है। जब सरकार में रहे तो निकम्मापन दिखाया, कोई कदम नहीं उठाया, जब सरकार से बाहर आ गए तो गंदी राजनीति पर उतर आए। हम सुधार के प्रयोग कर रहे हैं, कदम उठा रहे हैं। वहां जो पैसा स्वीकृत हुआ है वो आने वाले समय में कोटा के जेकेलोन अस्पताल की तस्वीर बदल देगा। इस पे बात करने ही नहीं देते, उनका मकसद है हंगामा हो, इस्तीफा मांगो, सरकार की बदनामी करो, नारे लगाओ। इसीलिए क्या सदन में आए? इसीलिए माननीय अध्यक्ष महोदय को आज कहना पड़ा कि मैं खुद प्रताड़ित महसूस कर रहा हूं। तो कोटा में बच्चों की मौत का मामला सदन में भी गूंजा और इसको लेकर जोरदार हंगामा हुआ। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा को आप सुन रहे थे, जो कि बीजेपी पर तमाम तरीके के सवाल उठा रहे थे। उनका